सत श्री अकाल। तुसी वेख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं हाँ संजीव यश खन्ना। थोड़ा सारे का स्वागत है खबरों के इस बुलेटिन दे विच। सब तो पहला चोणवी खबरां। पंजाब सरकार ने सूबे के लोगों नूं दित्ती वड्डी राहत। पेट्रोल 10 डीजल 5 रुपए कीता सस्ता। 29 नवंबर नूं होवेगी श्रोमणी कमेटी के नवे प्रधान की चोण। बीबी जागीर कौर नूं दोबारा चुनिया जाना तय। पंजाब विच राजपाल सांभण सरकार का कामकाज। भाजपा ने की मंग। किसानों ने किया कांग्रेसी विधायक गुरप्रीत कांगड़ का घिराओ। पंजाब सरकार से लाए इल्जाम। मुख्यमंत्री की रिहायश का घिराओ कर जा रहे अकाली वर्करां ते पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 18 नवंबर नूं जनतक होवेगी नशियां दे मामले की एसटीएफ रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। हुण खबरां दा विस्थार। पंजाब सरकार ने सूबे दे लोकां नूं वड्डी राहत देंदे होए सूबे विच पेट्रोल दीआं कीमतां ते 10 रुपए अते डीजल दीआं कीमतां 5 रुपए घटा दित्तियां ने। इस दा ऐलान करदिआं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि भाजपा दी केंद्र सरकार ने देश दे लोकां दी वड्डी लुट कीती है। उन्हां कहा कि किसे सरकार ने तेल कीमतां विच इन्ना घाटा नहीं कीता है। उन्हां कहा कि पंजाब सरकार दे इस फैसले नाल किसे इक फिरके नूं नहीं सगों हर व्यक्ति नूं फायदा होवेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जदों दी पंजाब सरकार बनी है उदों तो लैके हुण तक उन्होंने अजिहा वड्डा फैसला लैंदे होए नहीं देखिया। उन्होंने कहा कि अजिही कटौती 20 सालों में पहली बार देखी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोगों नाल त्रो कमाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 18 महीनों में डीजल का रेट 61 रुपए तो 98 रुपए हो गया है। इस तरह बीजेपी वालों पंजाब के लोगों की लुट की गई है जिड़ी पहला कदे नहीं हुई। पेट्रोल 112 रुपए तक चला गया। बीजेपी ने पूरे देश की जनता को लुटिया। केंद्र सरकार ने पहला रेट 30-30 रुपए वधा के 5 रुपए घटा दिता। पेट्रोल ते डीजल दे गुआंढी सूबियां हरियाणा हिमाचल प्रदेश ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ च टैक्स कट कीते जाण ते दबाव च हुण पंजाब सरकार ने भी वैट घटा दिता है। 70 सालां च तां 60-70 रुपए 60 रुपए पर रेट आया ते 7 सालां दे विच चल के 95 रुपए पर चले गया। 104 रुपए तक चले गया। कोई कंट्रोल नहीं रहा बीजेपी सरकार दा। इना ने पूरे देश दे लोकां नूं बुरी तरह लुटिया। हुण रेट पहला 30-30 रुपये बढ़ा दे ते हुण उना नूं 5 रुपये या 10 रुपये घट करके बाबा खट्टण दी यतन कर रहे। मैं तुहानूं ये भी दसना चाहुंदा हां कि जेड़ा रेट घटाया गया है वो एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। उदे विच 42% शेयर स्टेटां दा हुंदा है। वो जिहड़ा पैसा है उदे चों 42% शेयर पंजाब सरकार नूं भी आउणा हुंदा है ते जद वो घटदा है तां साडा भी 42% घट जांदा है। ये रेट साढ़े सिर ते ही घटाए गए है। लेकिन पंजाब दे फाइनेंस मिनिस्टर साहब का मैं धन्यवादी हाँ। पंजाब सरकार ने अज बड़ा फैसला लेके पेट्रोल दे रेट असी 10 रुपये घट कर रहे हैं। अज ही रात तो 10 रुपये 5 रुपये डीजल दे रेट अज तो ही रात तो असी घट कर देंगे। जेड़ा के पिछले 70 सालों के कदे मैं सुनया नहीं कि इन्ना रेट भी कदे घटिया होवे या कदे इन्ना रेट बढ़िया हो। मैं 1900 नवंबर 1986 मैनू पेट्रोल पंप कनौली विखे अलॉट होया सी। नाम सीगा जिमीदारा फिलिंग स्टेशन मैं उहदा रखिया सी ते मैं उत्थे काफ़ी देर काम कीता। अज तक कदे इन्ना नहीं रेट घटिया कि लगातार 10 कट्ठा ही 10 रुपए रेट घट गया होवे। तो मैं पंजाब दे लोकां नूं मुबारकबाद दिना। 10 रुपये पेट्रोल 5 रुपये डीजल अज रात तो पंजाब दे विच होर घट जाएगा। ते नाल मैं मुबारकबाद दिना पंजाब दे लोकां नूं। ये भी एक दिवाली का तोहफा समझण। इस तरह के तोहफे होर भी आणगे। लेकिन ऐसी पंजाब दे विच लोकां नूं उना दी वित्त दे अनुसार खर्चा ते लोड पाना चाहते हैं। साढ़े टैक्स
साडे सरकारी बोझ लोगों के उत्ते इन्ना पिछले सालों के पाया गया जिहड़ा कि आम लोगों तो मिडल क्लास फैमलिया तो गरीब लोगों तो चक्कर इत्थे तक कि अमीर लोगों तो भी चुकया नहीं जा रहा। उस नूं असीं हर खेत्र दे विच घटा रहे, चाहे वह बिजली का है, 3 रुपये बिजली सस्ती कर दिती गई है, चाहे वह बिजली के बकाए जिहड़े गरीब लोग या मिडल क्लास फैमलिया दे नहीं पा रही सी वो माफ कर दिते गए है। पानी का लोड है, पानी सस्ता कर दिता गया है, बिजली सस्ती कर दिती गई है, तो अज असी पेट्रोल ते डीजल सस्ता कर रहे हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान, सीनियर मीत प्रधान, जूनियर मीत प्रधान, जनरल सकत्तर अते कार्यकारिणी कमेटी के मैंबरां दी सालाना चोण 29 नवंबर नूं कीती जाएगी। इस संबंध में जनरल इजलास श्रोमणी कमेटी के श्री अमृतसर विखे मुख दफ्तर स्थित तेजा सिंह समुद्री हॉल विखे दोपहर 1 बजे होवेगा। श्रोमणी कमेटी के प्रधान बीबी जगीर कौर की अगवाई में गुरुद्वारा श्री कलगीधर निवास विखे हुई अतरिंग कमेटी की एकत्रता दौरान यह फैसला लिया गया है। मीटिंग मगरों जानकारी देंदिया बीबी जगीर कौर ने दसिया कि सिख गुरद्वारा एक्ट अनुसार हर साल नवंबर महीने च श्रोमणी कमेटी के प्रधान अते होर अहुदेदारां दी चोण कीती जांदी है, जिस संबंध च 21 दिन पहला ऐलान जरूरी हुंदा है। इस बार 29 नवंबर नूं जनरल हाउस दौरान यह चोण श्रोमणी कमेटी के मैंबरां वल्लों कीती जाएगी। इस दौरान अतरिंग कमेटी वालों लए गए होर अहम फैसलों बारे जानकारी देंदिया बीबी जगीर कौर ने दसिया कि श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे 400 साल प्रकाश पुरब नूं समर्पित तरन तारण विखे 200 लड़कियों नूं मुफ्त विद्या देने लई केंद्र खोलिया जाएगा। उन्हां कहा कि इस केंद्र विच माझा खेत्र दीआं लोड़वंद अते होशियार सिख लड़कियां नूं दाखला दिता जाएगा अते इस तरह ही दुआबा खेत्र विच माता गुजरी जी कॉलेज करतारपुर विखे 200 बच्चियां नूं मुफ्त पढ़ाई करवाई जाएगी। इस तो पहला श्रोमणी कमेटी वालों मालवा इलाके च तख्त श्री दमदमा साहब विखे माता साहिब कौर गर्ल्स कॉलेज विखे 200 लड़कियों नूं मुफ्त विद्या दित्ती जा रही है, जिन्हां च ज़्यादातर जम्मू कश्मीर नाल संबंधित ने। उन्हां दस्सिया कि जिन्हां बच्चों नूं मुफ्त पढ़ाई करवाई जाएगी उन्हां दे होस्टल अते खाने का प्रबंध भी श्रोमणी कमेटी करेगी। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਾਰ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ, ਇੱਥੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤਰਾਏ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪੀਜੀ ਘਰ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਟ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ। ਸਮਾਣਾ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲੇ ਸਮਾਣਾ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਜੇ ਕਾਫੀ ਚੱਲਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਨਰਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਵੀ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਕਰੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵਫਦ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ 72, ਉਹ 200 ਬੀਬੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 200 ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਚਿੱਤਰ ਮੰਡੀ ਸਾਹਿਬ, 200 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਤਰਨ ਤਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ, 19 ਹਾਲ ਬਣੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਕਿੰਨ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਫਦ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਤੇ ਲੂਣ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਈਏ ਕੁਝ ਕਮਰੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ 200 ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ 200 ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਫਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਈਏ, 400 ਸਾਲਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ 400 ਕੁੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, 200 ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮਾਝੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ,
ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵਰਤੀਏ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ 400 ਕੁੜੀ 400 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 200 ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਿਓਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਜਨਵਰੀ 2017 ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਿਓਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਬੰਬ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਏ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਬੰਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ, ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦਲ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਛ ਲੋਕ ਔਰ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਝੱਖੜ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੁਕਮਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਨੂੰ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਕੱਤਰੇਤ ਘਿਰਾਓ ਦੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਪੀੜਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨੰਗਾ ਚਿੱਠਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰਕਬਾ 7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਕਾਲੀ
वर्करां नूं गिरफ्तार कर लिया है। साबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने कहा है कि पंजाब विच बेमौसमी मीह अते गड़ेमारी कारण किसानों की नरमे की फसल खराब हो गई है। सूबा सरकार नरमे की फसल का मुआवजा सिर्फ 12,000 रुपये प्रति एकड़ दे रही है जो कि बहुत घट है। उन्होंने मांग की कि किसानों नूं नरमे की नुकसानी गई फसल का 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिता जाए। इस तरह गुआंढी सूबों वांग पंजाब विच भी पेट्रोल अते डीजल दीआं कीमतां तों वैट कटाया जाए ताकि पंजाबियों नूं महंगाई तो राहत दवाई जा सके। अकाली वर्करां ने जगदीश टाइटलर समेत 1984 दे सिख कतलेआम दे कातलां नूं दित्ती जा रही सुरक्षा बंद करन दी मंग कीती है। इस दे नाल ही गांधी परिवार खिलाफ केस दर्ज करन दी मंग भी कीती है। बादल ने शांतमई ढंग नाल रोस प्रदर्शन कर रहे अकाली वर्करां ते लाठीचार्ज करन दी निंदा कीती। उन्हां कहा कि इह राज दे वसीलियां दी शरेआम लुट कसुट करन वाली भ्रष्ट कांग्रेस सरकार विरुद्ध आवाज़ चुकन वाले लोकां नूं रोकण दी साजिश दा हिस्सा है। उन्हां कहा कि जदों तक सूबे दे लोकां दीआं मुश्किलां दा हल नहीं कीता जांदा उदों तक श्रोमणी अकाली दल लोकां दी आवाज़ चुकदा रहेगा। पंजाब दे मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पिछले लंबे समय तो लिफाफे विच बंद पई एसटीएफ दी नशियां संबंधी रिपोर्ट 18 नवंबर नूं खुल सकती है अते सरकार वालों इस संबंधी हर कोशिश की जा रही है। श्री चन्नी ने कस्बा बेला विखे सतलुज दरिया के उसारे जाने वाले पुल का नींह पत्थर रखने तो बाद पत्रकारां नाल गलबात करदिआं यह दावा किया। उन्होंने कहा कि बेअदबी के मुलजमान को भी छेती ही सज़ा मिलेगी क्योंकि इस मामले में जाँच तेजी नाल शुरू हो चुकी है अते एसटीएफ पूरी सरगर्मी नाल अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा जिन्हां दोषियों ने श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की है हुण ओह होर समां नहीं बच सकणगे। पंजाब दे नौजवानां नूं नशियां विच धक्कण वाले दोषियां नूं भी बख्शिया नहीं जाएगा अते छेती ही ड्रग माफिया खिलाफ रिपोर्ट खुलण नाल कई नशे दे वड्डे सौदागरां दा पर्दाफाश होवेगा। अकाली दल ते निशाना साधदिआं उन्हां कहा कि ओह नाम दे पंथक हन अते पंथ नूं हमेशा अपने सियासी मुफादां लई वरतदे आए ने। उन्हां दोष लाया कि पंथक अखवाउंदे इह लोग राजनीतिक फायदिआं लई कथित तौर ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी करवाउण तों वी नहीं हटे। जल्दी ही बेअदबी मामलिआं दे असली चेहरे लोकां दी कचहरी विच नंगे कीते जाणगे अते दोषियों नूं सख्त तों सख्त सज़ा दित्ती जाएगी। किसे सिपाही ने किसे हौलदार ने किसे थानेदार ने किसे दुकानदार नूं इह नहीं जाके कहा वी चाकू मली होए ते लियाओ इहदे पैसे। पहलां क्या करदे सी सवेरे जाकर डंडिया नाल सारिआं नूं खाड़ता उसके बाद हिसाब किताब हो गया शाम नूं सारिआं नूं पता ऐसी यह कुछ नहीं होया। चमकौर मेरे मुंडे कराली तो पटाके खरीदे हर बार रात को 11 बजे दिवाली को 2 दिन पहला पटाके खरीद गए। वो पहला तो हैरान हो गए भी मुख्यमंत्री के मुंडे भी कभी पटाके खरीदने लाए करते घर जाते होंगे पटाके। चलो खैर कहते भी आए हो इन्ना धन्यवाद उन्होंने रात को 2 बजे आके मुंडिया ने मैं दसिया कि सारा कराली का शहर धन्यवाद कर रहा है कि जही जी ऐसी दिवाली लगी ऐसी कभी दिवाली जी हो गई है गरीब की दिवाली असली ऐसी गरीब के घर दीवा बड़े पटाके बेचण वालों पटाके बेचण का मौका मिले फिर जिन वालों फिर जिन्हों का जिन्ना पंजाब के दुकानदार ऐसी खुश होया इन्ना कदे वधिया दिवाली लगी। तो मैं ज्यादा लंबा ना गला करता होया पर सारों बहुत बहुत बधाई प्रधानमंत्री बाल जी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद जिला साहब थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने साढ़े इलाके के लोग याद रखे। तो ऐसी भी अज जिन्ना खुशी का दिन अपने इलाके वास्ते है परमात्मा इस तरह के खुशी के दिन सारे इलाके वाले वास्ते लेके आवे। और मैं तुम्हें विश्वास बोलना है कि पंजाब के सही मायने में राम राज पैदा करके दिखावे और एक बहुत ही अच्छा पारदर्शी प्रदर्शन प्रशासन पंजाब में मिलेगा। पर कल मैं होर बहुत तगड़े ऐलान 4 बजे कर जा रहा हूँ उन्होंने उम्मीद करते हो। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।
बटाला च कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी लड़ाई एक बार फिर खुल के सामने आ गई है क्योंकि चेयरमैन अश्वनी सेखड़ी वालों अपनी ही सरकार के कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा से प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान दोषों की झड़ी लगा दी गई। प्रैस कॉन्फ्रेंस को संबोधन करदिया चेयरमैन अश्वनी सेखड़ी ने कहा कि उन्होंने जान को कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा तो खतरा है क्योंकि कैबिनेट मंत्री के कई गैंगस्टर संबंध ने। उन्होंने कहा कि वह हमेशा निडर होकर बटाला के भले लई आवाज़ चुकते रहे हैं, अगांह भी वह बोलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले समय च जो बटाला च विकास कार्य होए ने उन्होंने आए करोड़ों रुपए मंत्री की शह से खुरद बुरद कर दिए गए हैं, जिसकी जांच सरकार वालों करवाई जानी चाहिए है। अश्वनी सेखड़ी ने कहा कि इस वेले कांग्रेस पार्टी के लगभग 10 विधानसभा हलकों च कैबिनेट मंत्री बाजवा का सीधा दखल है, जिस कारण विधायक और सबका विधायक अपने इस मंत्री तो काफ़ी नाराज ने। उन्होंने कहा कि बीते दिन चंडीगढ़ विखे पंजाब कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज हरीश चौधरी, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की अपने विधायकों नाल हुई मीटिंग दौरान विधायकों ने सीधे तौर पर कैबिनेट मंत्री बाजवा की दखल का जिक्र किया है। मीटिंग तो बाद फैसला हो गया सीगा कि कोई भी शख्स कोई भी MLA XML मिनिस्टर एक दूजे की कॉन्शियंस दखल नहीं देगा, सारे अपनी अपनी कॉन्शियंस काम करन। और मैं जो मुद्दा जनरल सैकटरी इंचार्ज हरीश जी नाल और चन्नी साहब नाल मुख्यमंत्री साहब नाल उठाया तो उन्होंने कहा बिल्कुल तेरे दफ्तर से दखल नहीं दिता जाएगा, उतों सीट जी दी जानी है हिंदू कम्यूनिटी के किसी लीडर दिती जानी है, ये फैसला हो चुका पार्टी का और तुसी जाके अपना काम करो, जो लोग कहेंगे आप जो वर्कर कहेंगे आप उस हिसाब न इतने चुनाव लड़ावे। सो मैं तो भाई पार्टी के डिसिपलिन के रह के कित कोई गल नहीं की, पर अज मजबूर हो गया क्योंकि वो प्रोजेक्ट जोड़े मैं पास कराए जिन्हों लिए उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर माननीय ओम प्रकाश सोनी जी को टाइम दिता गया, उत्थों TPM चले गए, उत्थों दसिया गया कि पत्थर इधर फलानी तरीक नूं लान आणगे फाउंडेशन स्टोन, वो अज आ के ये मंत्री जड़े ने सरदार तृप्त रजिंदर सिंह जी बाजवा उन्होंने आ के अज दो जगह उत्ते नींह पत्थर रखे। उत्थे अफसर एक है उन्हों का, एक उहदा नाम SDO जिहड़ा है की ना SDO दा बेटे नहीं नहीं SDO जिहड़ा है बेटा जरा PWD SDO नाम बोले थे ना है दविंदर SDO है। हूँ मैं एज अश्वनी सेखड़ी कांग्रेस पार्टी का वर्कर होने नाते मैं चैलेंज कर रहा जरा SDO है महाकरप्ट SDO बटाले की जिन्हें काम होए ने PWD थ्रू और बहुत वड्डी कमीशन 40-50% पैसा खा गया और त्रिपत को किन्ना दिता तो साथियों को दिता वो जो फड़िया जाएगा वही हिसाब देगा। उदाहरण के तौर पर 5.5 करोड़ रुपया अमृतसर रोड के उत्ते लगाया और इन्हें पता चाहिए इतने वाला सीवर पैना क्वालिटी माड़ी सी, असी शिकायत जो की लोगों ने तो चैकिंग होने तो पहले सीवर पाना शुरू करता वाला, तो जी रह गई सड़क वो तुहाडे सामने जाकर तुम मैं तुम्हें दिखाना चाहना फोटो खिंची गई हैं, वो सड़क टुटी पई है जी सड़क 5.5 करोड़ लगा जी 7 साल जी बुनियाद गिनी गई है वो मैं तुम्हें दिखाना चाहना बेटा दिखाना मेरा फोन कितने जो फोटो है यह तुम देखो कि सड़क टुटी पई है अजे साल भी पूरा नहीं होया देखो आप किस तरह उस टुटी पी खडे पै गए सड़क और पैसे खा गया करीबन 2.7 करोड़ रुपया बाईपास से लगाया जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी आए सन उरे। अश्वनी सेखड़ी की प्रैस वार्ता के बाद कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा भी आए प्रैस के सामने। कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने अश्वनी सेखड़ी वालों की गई प्रैस वार्ता का जवाब देते हुए मंत्री बाजवा ने कहा कि मैं अपनी पार्टी और जनता के काम करवा रहा जिहड़े काम पिछले कुछ समय तो रुके सन, मैं वो काम लोगों की खातिर करवाए ने, बाकी किसी नूं मेरे इन्हां करवाए कामां ते किसी नूं कोई इतराज़ है तो मैं कोई चिंता नहीं क्योंकि जिन्हां नूं इतराज़ है वह मेरे भाई बंधु है, लेकिन उन्हां नूं पार्टी अते जनता की हित वास्ते भी काम करना चाहिए है। मंत्री बाजवा ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी के विकास कार्यों की याद में जो पैसे आए से वह बटाला दे विच ठीक जगह पर लगे ने जां गलत जगह पर लगे ने वह हलका बटाला के लोग जानते हैं। उंगलां उठाउण वाले ज़्यादा वड्डे जज नहीं हन,
हलका बटाला लोग जो फतवा देंगे वह मैं मंजूर है। उत्थे ही तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने लोधी नंगल के बयान उत्ते जवाब देंदे हुए कहा कि मैं अपने हल्के फतेहगढ़ चूड़िया तो ही इलैक्शन लड़नी है अते लोधी नंगल नू फिक्र करन दी लोड़ नहीं, उन्हां दे मुकाबले ते इलैक्शन लड़नी है अते जितनी है। उत्थे ही उन्होंने कहा कि बटाला दे विच जो करोड़ों रुपए लगे ने वह अश्वनी सेखड़ी दे नहीं लगे बल्कि सरकार दे लगे ने अते लोग मेरे ते किंतु परंतु करन, सेखड़ी भाई साहब थोड़ा बटाला मालिक ने, बाकी बटाला दी टिकट हाई कमांड ने देनी है। मैं फतेहगढ़ चूड़िया तो ही चोणा लड़निया ने, बाकी बटाला दे लोग मैनू किसी समागम ते बुलाउंदे ने तां मैं उन्हां दे सत्कार वजो जावांगा। पेट्रोल अते डीजल दे रेटां उत्ते बाजवा ने कहा कि केंद्र सरकार नू होर पेट्रोल अते डीजल दे रेट घटाउणे चाहीदे ने। बाकी अश्वनी सेखड़ी दे बारे उन्होंने कहा कि सेखड़ी मेरा छोटा भाई है, उन्होंने हौसले विच रहना चाहिए, बाकी टिकट हाई कमांड अते सोनी ने फैसला करना है, जिन्हों टिकट देंगे वो टिकट लड़ लेगा। बाकी मुख्यमंत्री चन्नी दी सरकार वधिया काम कर रही है अते जो फैसला लवेगी वह फैसला सिर मत्थे है। उन्होंने कहा कि मेरी कोई लड़ाई नहीं, बाकी उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी दे नाल खड़ा, मैं पार्टी बदलन नू तैयार नहीं। करप्शन दे दोष लाए ने सिर मत्थे, इनक्वायरी कराने नू किसी विजिलेंस वाले कोलों विजिलेंस को मर्जी इनक्वायरी करो उन्हें खुले छुट्टी है, मैनू कोई इच इतराज नहीं, जिथे किसी ने पैसा खाधा साबित होंदा जरूर इनक्वायरी करो। चलो जी मैं उहदी कोई जमीन अपने नाल लाउणी है, वो अपने घर सुखी वसे, मैं अपने घर सुखी वसना, मैं उन्हां कोल की लैणा, एवें थोड़े जे पुछे हुए पे ने चंगे बंदे ने उन्होंने चंगी गल् कर। इस तरह उन्होंने ये भी गल आखी कि बटाले च पैसे लगे आ, गुरु नानक देव जी महाराज के नाम से पैसे आए से, लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज के नाँ से कोई भी चीज़ नहीं बनी। चलो जी ये गल लोग जानते ने कि पैसे आए ने, ठीक लगे ने, गलत लगे ने, की होया वा, कल यो ही जज नहीं सारे बटाले दे लोग, इन्हों तो ज़्यादा जज ने, लोगों तो पूछ लो लोग की कहते हैं, मैंने लोगों का फतवा मंजूर। इस तो अलावा गल की जाए तो फतेहगढ़ चूड़िया तो अकाली दल के जोड़े उम्मीदवार ने लखबीर सिंह लोधी नंगल, बटाले तो अकाली दल के विधायक ने फिलहाल, उन्होंने कहना कि मंत्री तृप्त सिंह बाजवा उन्होंने रल के फ्रेंडली मैच खेल रहे तो लोगों को बेहतर। मैं फतेहगढ़ चूड़िया तो इलैक्शन लड़नी है, वो मुकाबले इलैक्शन लड़नी है, इस करके फ्रेंडली मैच आपस लड़के नहीं हो सकता, तो उन्होंने मन चो बोझ ला देना चाहिए। मैं उस इलैक्शन लड़नी है तो निशाना शकाना जित गया। जी गल आम तौर पर चर्चा का विषय वा, तो जी गल का खतरा वा कांग्रसियों इतों कि तृप्त रजिंद्र बाजवा बटाले च सैकड़े करोड़ रुपया ला चुके हैं, तो शायद उन्होंने अपनी सियासी जमीन जी इतने पक्की कर। नहीं मैं सैकड़े करोड़ मैं कोलों थोड़ा लाया, सरकार के पैसे ने, तो मैं तो सरकार के पैसों का कोशिश की भी वधिया तरीके से वरत जाए। मैं कहना भी लोग मैनू पुछ, लोग मेरे से किंतु परंतु कर, ये भाई साहब थोड़ा सारे बटाले के मालिक ने, 35, 36, 37, 38 कौंसलर ने, कोई कौंसलर मैं सवाल करे, कोई कामन मैन सवाल करे, मैं बीजेपी का सवाल करे, उन्होंने अकाली दल का सवाल करे, मैं जवाब देंगा। ये वीर मेरा अपना ही हो गया, कि गलों करी जाता है। बाकी बटाले की टिकट हाईकमांड ने देनी है, मैं नहीं दे, हाईकमांड जिन्होंने टिकट देगा लड़ लेगा, मेरा देखो तलक तुम कितने मन बनाया जी। मैं फतेहगढ़ चूड़िया बड़ा क्लीयर, मैं फतेहगढ़ चूड़िया, मैं हूँ ही फतेहगढ़ चूड़िया देन दिया, ये तो चाहते मैं बटाले च नंगा ही ना, जे मैंने कितने लोग सादे ने तो मैं जाना ही है, पर मैं लड़ इलैक्शन फतेहगढ़ चूड़िया लड़ लिया। किसान आगू गुरनाम सिंह चढ़ूनी जम्मू कश्मीर विच अतवादियों नाल मुकाबले दौरान शहीद होए। गुरदासपुर के हलका फतेहगढ़ चूड़िया के पिंड चट्ठा के शहीद मनदीप सिंह के परिवार नाल दुख सांझा करन पहुंचे। इस मौका किसान आगू गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि असी उस महान शहीद के घर आए हाँ जिसने देश लई शहीदी दित्ती है। इस दे नाल ही उन्हां कहा कि भारत पाकिस्तान दे रौले विच देश दे किसानां अते मजदूरां दे पुत्तरां दीआं हो रहीआं शहीदियां नूं रोकण दा इक्को इक हल है कि जिन्ने भी भारत जां पाकिस्तान दे राजनीतिक लोक ने उह चोणां लड़न तों पहलां आप जां अपने बच्चिआं नूं सरहद दी राखी लई 5 साल फौज विच भर्ती कराउण।
किसान आगू ने कहा कि 2022 विच पंजाब विधानसभा चोणां विच उन्हां दी पार्टी वालों पंजाब दीआं 117 विधानसभा सीटां ते उम्मीदवार मैदान विच उतारे जाणगे। उन्हां कहा कि वह अपनी पार्टी विच रवायती पार्टियां दे वड्डे आगूआं जां दागी आगूआं नूं शामिल नहीं करनगे। पार्टी विच आम लोकां, अंदोलनकारी, समाज सेवी अते बुद्धिजीवियां नूं जोड़िया जाएगा। उन्हां कहा कि वह खुद चोण नहीं लड़नगे। किसान आगू ने कहा कि पंजाब विच एक अजिही रवायत पाई जाएगी जिस नाल कदी भी कोई सियासी पार्टी किसानों का शोषण नहीं कर सकेगी। किसान आगू ने कहा कि किसान अंदोलन साड़ी पहल है, इस लई वह फिलहाल पार्टी का ऐलान नहीं करनगे। किसान आगू ने कहा जे खेती कानून रद्द भी हो जाण तां स्थिति पहला वांग हो जाएगी, पर उदों भी किसान खुश नहीं सन। अज असीं उस महान शहीद दे घर आए हाँ जिन्हां ने देश वास्ते 30 साल की उम्र के कुर्बानी दी है। जड़े चट्ठा पिंड दे सी, अज असीं चट्ठा पिंड दे विच बैठे हैं जिला गुरदासपुर दे विच, ते उन्हां दे परिवार दे जड़ा है नतमस्तक होण आए हैं जिन्हां ने अपना बेटा देश वास्ते एक तरह तो कह लो कुर्बान किया। तो मेरे को उस दिन का आया नहीं सी गया, थोड़ा लेट हो गया, उन्होंने अगे उन्होंने परिवार को मिलने वास्ते आए। किसानी अंदोलन की भी नाल ही गल करांगे कि समझते इस समय किसानी अंदोलन कितने खड़ा। देखो इस देश दे विच देश दे जवान की ते देश दे किसान की कोई वैल्यू नहीं है। जड़ा लाल बहादुर शास्त्री ने नारा लाया सी जय जवान जय किसान दा, या खेत में किसान सीमा पे जवान दा। अज तुसी देखो कि भी करीब 700 कुर्बानियां धरने दे बैठिया दी किसानां दी हो गई ने। 11.5 महीने तो ठंड दे विच गर्मी दे विच उत्थे बैठे हुए ने, ते कोई सुनवाई नहीं है, कोई लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है। हालांकि देश वास्ते लड़ रहे ने, देश का पेट भी भरिया है, तो हुण देश की जड़ा है बचाण वास्ते, क्योंकि पूरे देश का भोजन कारपोरेट के हाथ जाएगा, वह सस्ता खरीदणगे ते गरीबां नूं महंगे तो महंगे बेचणगे और भुखमरी वरतेगी। दूजे पासे साडे जवानां दा हाल देखो, करीब 1000 जवान हर साल साडा सीमा ते शहीद हो जांदा है। बई कादा रोणा है, बाकी दुनिया नहीं बस रही। बाकी दुनिया जदों बस रही है उन्हां दा रोज़ झगड़ा नहीं है, यह हिंदुस्तान ते पाकिस्तान का क्यों हुंदा है रोज़। तो मैं तो कहना इन्हां हिंदुस्तान दे विच भी ते पाकिस्तान दे विच भी एक कानून बना देना चाहिए भी कोई भी जिहड़ा नेता बनेगा इलैक्शन लड़ेगा उन्होंने पहला 5 साल इस पाकिस्तान वाली सीमा ते पहरा देना पेगा। जे 1 साल दे विच दोए ना सुधर जाण ते ना हिंदुस्तान तो कोई शहीद होएगा ना पाकिस्तान का कोई शहीद होएगा। ये लोगों के पुत मरी जाते हैं, किसान मरी जाते, ना किसानों की इत्थे कोई वैल्यू, ना जवानों की इत्थे कोई वैल्यू। किसानी धरने दौरान टोल प्लाजा के किसान मोर्चे दौरान फिल्म अदाकार अक्षय कुमार का पुतला फूकया गया। किसानों का दोष है कि अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हक विच रिलीज़ हुई है। इन्ना ही नहीं, जिस बैनर हेठ यह फिल्म बनी है उसनू प्रधानमंत्री का समर्थन भी हासिल है। किसान आगू दिलबाग सिंह ने दस्या कि अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी रिलीज़ हो चुकी है, पर इस फिल्म की समीक्षा हैरानीजनक है। ये कलाकार किसानों के हक विच होने की गल करते हैं, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नू प्रमोट करने लई फिल्म बना रहे ने। इन्ना ही नहीं, अंबानी अते अडानी ग्रुप ने भी इस फिल्म विच पैसा लगाया है अते चैनल इस फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं जिसनू पीएम मोदी का समर्थन है। किसान आगू जगजीत सिंह ने ऐलान किया कि हुण पंजाब विच अक्षय कुमार जां सनी देओल वर्गे कलाकारां दी शूटिंग नहीं होण दित्ती जाएगी। जेकर अक्षय कुमार पंजाब विच किते भी शूटिंग करन आए तां उन्हां दा विरोध किया जाएगा। उन्हां सनी देओल ते इह वी दोष लाया कि उसने एक बार भी किसानां दे हक विच आवाज़ नहीं उठाई, भावें कि उस नूं पंजाब विच पंजाबियां ने जिता दिता है। सानूं इत्थे बैठिआं नूं 12वां महीना लग गया, 12, 13, 14 महीना लग गया, इतनी आ 14 महीने से अं इतें चल रहे हूँ। इस करके ये जिन्हें भी आ ला लो तीन भी फिल्मों के एक्टर आ, ये उत्तों उत्तों कहेंगे भी किसानों के नाल अंदरों जिमें हूँ आ फिल्म बनाउन डे आ, ये निजी चैनल से पाउन डे आ, ये मतलब भी डानिया बानिया की फिल्म बना के वो मोदी की फिल्म बना के ये चैनलों के अक्षय कुमार की, अं विरोध करते हैं, बिल्कुल डट के विरोध करते हैं।
ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੂਰਿਆ ਵੰਸ਼ਮ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੋਂਸਰ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕੁ ਜਾਣੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਐਕਟਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਆ, ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਟਿਕਟ ਲੜੀ ਨਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਜੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਦੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚੈਨਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ। ਉਹ ਅੰਜਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕੇਸ਼ਵ ਕੀ, ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਖੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਇਜਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੂਰਿਆ ਵੰਸ਼ਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਟਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੁਤਲਾ ਹੀ ਫੂਕਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੱਥਾ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ SGPC ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ 72 ਘੰਟੇ ਪੁਰਾਣੀ RT-test ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੈਂਪ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।